रावत की घर वापसी की चर्चाओं के बीच कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दोसानी ने कहा कि अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। गरिमा दोसानी ने 2016 के काले इतिहास के वाक्य को दोहराते हुए कहा कि उस मंजर का काले अध्याय से जुड़े जख्म आज भी हरे हैं। उन्होंने इस मसले पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। नहीं, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। अभी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है इस बात पर, और अभी अधिकृत रूप से विधिवत उन्होंने सदस्यता कांग्रेस पार्टी की नहीं ली है। जहां तक आपने 2016 के वाक्य की बात करी, उसके छाले और वो घाव अभी तक ताज़ा हैं हमारे दिलों में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया गया था, लेकिन ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, और जितने इसमें अपराधी कांग्रेस के 10 लोग हैं, उतनी ही अपराधी भाजपा भी है।